प्रणव चैतन्यपुरी स्वामी जी और उनके साथ आए हुए सोहंग चैतन्य स्वामी जी अते साध संगत जी, आज से कुछ साल पहले, शायद 4 साल होंगे, वाराणसी काशी विद्यापीठ में स्वामी जी को सुना तो इनके वचन सुन के मन को अच्छा लगा, इनके वचन मन को भा गए। तो मैंने यादवेंद्र सिंह जी से बात की कि स्वामी जी को कहा जाए कि बहनी साहब में भी आके अपने प्रवचन करें। तो मैं इनके लिए धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, इन्होंने समय निकाला, यहाँ आए और अपने विचार हमारे साथ सांझे किए तो बहुत अच्छा लगा। इनके वचन सुन के आप जो लोग अपने जितनी साध संगत यहाँ बैठे हुए हैं, ये लग रहा है कि इसमें कुछ हमारे में कुछ फर्क नहीं है। वेशभूषा अलग हो सकती है, पूजा करने के ढंग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी फिलॉसफी में कोई फर्क नहीं है। स्वामी जी ने आपको समझाया कि कैसे आपके अंदर ही एक छोटा ब्रह्मांड है, तो वही चीज़ जब हम गुरु ग्रंथ साहिब में पाठ करते हैं तो वही हम पढ़ते हैं, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। सो और भी जो स्वामी जी ने 5 तत्व की बात की है तो वो आप गुरु तेग बहादुर सतगुरु सच्चे पातशाह के श्लोकों में सुनते हैं, 5 तत्व से तन रचियो जानो चतर सुजान। तो ये हमारी फिलॉसफी, हमारी सांझे ये एक ही हैं। एक चीज़ जिसके लिए हम प्यार करते हैं सिखी को, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हमने अपनी अपनी संप्रदाय में रह के झगड़ा करना है तो फिर धर्म की ज़रूरत ही नहीं है। झगड़ा करने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों से झगड़ सकते हैं, क्योंकि क्या है उसमें हम अपनी ईगो को, हमने अपनी अहंग को ही पॉलिश करते हैं। ये अलग अलग संप्रदाय हैं लेकिन धर्म हमारा सबका एक ही है। जिसको स्वामी जी ने इन्फिनाइट कहा, हम कोई प्रभु कहते हैं, कोई रब कहते हैं, सब नाम उसी के हैं, उससे अलग कोई नहीं है, ना उसकी कोई जात है, ना पात है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना जैन है, ना ईसाई है, वो हमने सब एक से ही पैदा हुए हैं और एक से ही मिलना है। यही परंपरा है गुरु नानक सतगुरु सच्चे पातशाह की और हमारे सब सतगुरुओं ने वो ही परंपरा दृढ़ करवाई है। इसीलिए जब जब मौका मिलता है तो हम दूसरी संप्रदायों के धर्म आगुओं को विनती करके यहाँ आने के लिए कहते हैं, ताकि हमारी ये सांझें बढ़ती रहे। हमारी आवाज़ छोटी हो सकती है लेकिन यही सच्ची आवाज़ है कि हमारा सबका धर्म एक है। शुरू शुरू में सोहंग स्वामी जी ने बात की, सच की बात की, तो उसी से एक वाक्या याद आता है कि एक बार सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जापान में गए तो वहाँ टोक्यो में एक शायद बौद्ध यूनिवर्सिटी करके है, वहाँ सब धर्मों की एकत्रता हुई तो सतगुरु जी को पूछा गया कि सबका एक सांझा धर्म क्या है। तो सतगुरु जी ने एक बाबा फरीद जी की एक तुक से कहा, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। सबका जो सांझा धर्म है, सबका एक जो धर्म है, गुरु जी तो ये कहते हैं कि जो भगवान को नहीं मानते उनका भी जो एक धर्म है वो सत्य है। तो हमारा सबका एक धर्म सत्य है, आपने वहीं से शुरू किया तो मेरे को उस सतगुरु जी की याद आई। तो जितनी आपने बातें की हैं वो उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब हम एक को लेके चलेंगे तो उस एक की बात करेंगे, एक को एक का विस्तार करेंगे
तो हम सब एक ही हैं, हमारे में अलग नहीं है। तो इसका एक प्रयोजन हमारा यह रहता है कि ये हमारा मैसेज आता रहे। सदगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ने इसी पवित्र धरती पर एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हिंदू सिख मुसलमान इकट्ठ किया और ये कहा कि हमको अलग अलग नहीं होना चाहिए, हम सब एक हैं। फिर नानक नाम कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी सब गुरु नानक नाम लेवा इकट्ठे हुए। तो यहाँ पर इस तरह का चलता रहता है। तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ, आप यहाँ आ सके, हमारे साथ आपने अपने प्रवचन जो हमारे साथ साझे किए उनको सुन के ये लगा कि हमें इस तरह के और अवसर मिलते रहें, ताकि ये कुछ जो दूरियाँ रहती हैं, कुछ जो भ्रम रहते हैं वो भी मिट जाएं और सब हम इकट्ठे मिलके सबका आपस में प्रेम हो, कोई वैर विरोध दूसरा भाव सब खत्म हो जाएं। इसी आपके आने का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारा नाम सिमरन का भी समय हो रहा है। इतनी विनती करके सबसे आज्ञा लेता हूँ। सत श्री अकाल।